Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah and आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लिलिएसिए फैमिली, दैट इज द लिली फैमिली. ना आफ्टर डिस्कशन ऑफ एबेसिए, सोलेनेसिए एंड ब्रासिकेसिए, लिली फैमिली जो है इसमें भी हम लोग उसका हैबिटेट, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे विद द फ्लोरल फॉर्मूला एंड द फ्लोरल डायग्राम. एंड हम लोग मेनली ये पहले से पता होना चाहिए कि ये जो है ये ट्राइमेरस सिमेट्री दिखाते हैं, मतलब ये मोनोकॉट है. वेरेज फेवेसिए, सोलेनेसिए वगैरह जो थे वो डाइकॉट मेंबर्स थे, ये मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करते हैं. हैबिटेट दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे फेवेसिए भी था. सोलेनेसिए में हमने मेंशन किया था कि इट वॉज फाउंड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक एंड सम टेम्परेट रीजन्स. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में जो टाइप ऑफ प्लांट है, दीज आर नोन एज पेरिनियल हर्ब्स. तो ये पेरिनियल प्लांट्स है, दीज आर पेरिनियल हर्ब्स. जबकि फेबेसिए में हर्ब, श्रब्स, ट्रीज मेंशन किया था. सोलेनेसिए में मेनली हर्बेशियस स्टेम हम लोगों ने मेंशन किया था, हर्बेशियस प्लांट, रेयरली दे कुड बी वुडी प्लांट्स. रूट जो है, नाउ सिंस ये मोनोकॉट है तो इसका रूट सिस्टम इज गोइंग टू बी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस या फिर फाइबरस रूट सिस्टम होगा. जबकि फेबेसिए, सोलेनेसिए में डोस टैप रूट सिस्टम. ऑल्सो जो इस फैमिली का मेंबर है एस्परेगस, उसमें हम लोग को देखने मिलता है एज द प्रेजेंस ऑफ फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट विच इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट ओनली. क्लस्टर्स में रूट्स एस्परेगस एंड एस्परेगस में देखने मिलेगा. स्टेम जो होगा, इनमें स्टेम मेनली अंडरग्राउंड स्टेम देखने मिलता है इन द लिली फैमिली. और ये अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है या तो इन द फॉर्म ऑफ राइजोम. नाउ राइजोम देखने मिलता है इन एलोवेरा प्लांट. उसके अलावा दे कुड बी प्रेजेंट एज बल्ब्स, एंड बल्ब जिस प्लांट्स में देखने मिलता है दैट इज द अनियन, गार्लिक या फिर इवन कॉम्स. कॉम्स हम लोग को देखने मिलता है इन कॉल्चिकम प्लांट. तो ये अंडरग्राउंड स्टेम नॉर्मली रहेंगे राइजोम, बल्ब या कॉम्स के फॉर्म में. लीफ जो होगा उसमें फाइलोटैक्सी देखने मिलेगा, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. नाउ फेबेसिए, सोलेनेसिए में भी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी भी था, यहाँ पे भी ये है. टाइप ऑफ लीफ, इसको हम लोग बोलते हैं बेजल लीफ एंड लीनियर लीफ, बेजल एंड लीनियर. जबकि फेबेसिए में उन्होंने टाइप ऑफ लीफ बोला था कंपाउंड लीफ, इम्पेरिपिनेट. सोलेनेसिए में उन्होंने मेंशन किया था मोस्टली सिंपल लीफ. विनेशन, सिंस ये मोनोकॉट है इसके लिए यहाँ पे देखने मिलेगा पैरेलल वेनेशन, जबकि फेबेसिए, सोलेनेसिए में इट वॉज रेटिकुलेट वेनेशन. एक एक्सेप्शन आप लोग को एंट्रेंस के लिए याद रखना है, दैट इज द स्माइलैक्स, जो मोनोकॉट है इसी फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आपको एंट्रेंस के लिए याद रखना है. स्टिप्यूल्स इनमें भी नहीं होते तो इट इज एक्सटिप्यूलेटेड. सोलेनेसिए में भी नहीं थे, सिर्फ फेबेसिए में स्टिप्यूल्स का प्रेजेंस था. कमिंग टू नाउ द फ्लोरल कैरेक्टर्स, इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो देखने मिलेगा दैट इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मेनली, कुड बी सॉलिटरी फ्लावर एज वेल बट मेनली साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, या फिर दे आर ऑफन प्रेजेंट एज अम्बेलेट क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर रहेगा विच इज ऑन एज अम्बेलेट टाइप ऑफ क्लस्टर्स जो इन्फ्लोरेसेंस में ऑब्जर्व करने मिलेगा. एंड यहाँ पे ब्रैक का प्रेजेंस है तो इसको हम लोग बोल देंगे एज द ब्रैक्टिएट फ्लावर. नाउ हम लोगों ने फेबेसिए, सोलेनेसिए में भी ब्रैक्टिएट मेंशन किया था, और सोलेनेसिए में ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम में एक ब्रैक्ट का स्ट्रक्चर दिखाना चाहिए, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट में नहीं दिखा तो हम लोग भी नहीं दिखा रहे, बट ब्रैक्टिएट फ्लावर सिंबल में मेंशन किया है. रेडियल सिमेट्री है, दैट इज इट इज एक्टिनोमॉर्फिक. सोलेनेसिए में भी एक्टिनोमॉर्फिक था, सिर्फ फेबेसिए में इट वॉज जाइगोमॉर्फिक. फ्लावर अगेन बाइसेक्सुअल है. तीनों प्लांट फैमिलीज हमने डिस्कस किए, फेबेसिए, सोलेनेसिए, लिलिएसिए या फिर इवन ब्रासिकेसिए, सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर ही थे तो वो तो कोई वेरिएशन नहीं है. फिर यहाँ पे ना के मेंशन किया है ना सी मेंशन किया है, केलिक्स कोरोला दोनों ही मेंशन नहीं किया. इन वन ऑफ माई वीडियोज आई हैव डिस्कस्ड, जब भी हम लोग केलिक्स एंड कोरोला को डिफरेंशिएट ना कर पाए, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो हम लोग उसको बोल लेते हैं एज पेरियंथ. तो यहाँ पे पेरियंथ का प्रेजेंस है, और पेरियंथ जो है उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम लोग बोल लेते हैं टेपल्स. तो टेपल्स में एक दो तीन, तीन आउटर पेटल्स है और तीन इनर पेटल्स है. सो पेरियंथ इज फाउंड शोइंग टेपल्स इन टू वर्ल्ड्स,
टू वर्ल्ड्स में अरेंजमेंट है और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। यहाँ पे फ्यूजन दिखाया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे एज गैमोफाइलस। और टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो देखने मिलता है इसको वेलवेट एस्टिवेशन ही बोला जाता है। तो यहाँ पे पेरिएंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स जो लिलिएसी में ऑब्जर्व करने मिल रहा है। एंड्रोशियम 3+3 मतलब टोटल 6 स्टेमन है और ये 6 स्टेमन भी 1, 2, 3 जो बाहर के टेपल से आ रहे एंड 3 स्टेमन अंदर के टेपल से आ रहे, सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू वर्ल्ड्स। एंड सभी के सभी स्टेमन जो फ्री है मतलब इट शोज पॉली एंड्रस कंडीशन। बट यहाँ पे द स्टेमन देर अटैच टू द टेपल्स तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए यहाँ पे भी एक लाइन किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। सोलेनेसिया में हम लोग ने देखा था कि वहां पे एपीपेटालस कंडीशन था, पेटल्स से स्टेमन वॉज अराइजिंग तो यहाँ पे टेपल्स से अराइज हो रहे। गाइनोशियम का बात करें तो गाइनोशियम इसमें टोटल इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर है, नीचे अंडरलाइन किया गया तो हाइपोगाइनस। और अगर देखा जाए तो फेबेसिए, सोलेनेसिए एज वेल एज लिलिएसिए सब में हाइपोगाइनस फ्लावर ही है विथ अ सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे मदर एक्सेस भी रहेगा एंड 3 कार्पल्स हैं तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्राई कार्पेलरी। और फ्यूज्ड हैं मतलब सिनकार्पस, तो फ्यूजन तीनों ही फैमिली में था, सिनकार्पस ही थे। एंड ट्राई कार्पल के साथ यहाँ पे 3 चेम्बर्स मैंने दिखाए मतलब इट इज ट्राइलोक्युलर। ट्राइलोक्युलर फेबेसिया में था मोनोलोक्युलर था, सोलेनेसी में बाइलोक्युलर था, यहाँ पे ट्राइलोक्युलर है। और सेंट्रल एक्सिस से दी ओव्यूल्स आर अराइजिंग तो इसको हम लोग बोल देंगे एज दी एक्साइल प्लेसेंटेशन। फेबेसिया में था मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सोलेनेसी में एक्साइल था, यहाँ पे भी एक्साइल प्लेसेंटेशन आ रहा है। फ्रूट जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने मिलते हैं फ्रूट आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के फॉर्म में देखने मिलेगा या फिर बेरी के फॉर्म में भी देखने मिल सकते हैं। तो फ्रूट में कैप्सूल एंड बेरी का प्रेजेंस है। सीड इसमें जो देखने मिलेंगे दीज सीड्स आर एंडोस्पर्मिक सीड्स, उसमें एंडोस्पर्म का प्रेजेंस देखने मिलेगा। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे जैसे कि है अनियन एंड गार्लिक विच आर द मेन एग्जाम्पल्स। अनियन को हम लोग बोलते हैं एज एलियम सीपा, आई वॉन्ट कि आप लोग को साइंटिफिक नेम भी पता हो। एंड गार्लिक जो है दैट इज एलियम सटाइवम, तो एलियम सीपा एलियम सटाइवम। एंड गार्लिक के तो बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेज रोमैटिज्म, तो ये गार्लिक के इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे जो इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो जाएंगे जैसे कि लिली हो गया, ट्यूलिप हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट जो प्लांट है कॉल्चिकम, जिससे कॉल्चिकम ऑटमनेल जिससे कॉल्चिसिन नाम का एक सब्सटेंस मिलता है विच इज यूज्ड एज इन प्लांट्स टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। और म्यूटेशन में हम लोग पॉलीप्लॉइडी का डिस्कशन भी करते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी के फॉर्मेशन पॉलीप्लॉइड प्लांट्स में कॉल्चिकम का यूज होता है बिकॉज इट्स अ स्पिंडल अरेस्टर, इट्स अ स्पिंडल पॉइजन। तो ये सब इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो गए ऑफ द लिली फैमिली। सो इन डिटेल हम लोग ने तीनों प्लांट फैमिलीज को डिस्कस कर लिया, फेबेसिए सोलेनेसी एंड लिलिएसी। सो तीनों का आप डिस्टिंग्विशिंग टेबल बना लो सो दैट सभी कैरेक्टर्स आप अच्छे से मेमोराइज कर सको। That's all that I wanted to discuss about all the plant families. Stay tuned for my further videos. That's all from Dipenism.